डीआर एक्सप्लेन्ड में सबका वेलकम है। आज हम लाइक डॉग्स मूवी के बारे में बात करेंगे, जो एक द साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में लोगों का किडनैप्ड किया जाता है और उन्हें एक अजीब से साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है, जहां उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। लिसा के साथ क्या हुआ एंड तक जरूर देखना। लिसा एल को सड़क से किडनैप कर लिया गया और उससे बंद करके एक छोटे रूम में ले जाया गया। उसे दीवार पर चेन से बांध दिया गया है और अकेला छोड़ दिया गया है। लेकिन कभी कभार उसे किडनैप करने वालों में से एक, जो खतरनाक सूट पहनता है, उसे एक डॉग फूड खाने को देता है, लेकिन लिसा वो डॉग फूड नहीं खाती है। कुछ टाइम उसको भूख लगती है और खाकर समझ में आता है कि कोई और भी है यहाँ। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसको नहाने के लिए पाइप से स्प्रे करने के लिए आते हैं। लिसा की स्थिति तब थोड़ी अच्छी हो जाती है जब उससे किडनैप करने वाले उसे एडम से मिलवाते हैं, एक और पीड़ित जो हफ्तों से एक छोटे रूम के एक अलग हिस्से में बंद है। लिसा एडम से बात करती रहती है, फिर उनके लिए डॉग फूड आता है। लिसा वो डॉग फूड खाने लगती है जिसमें हलुसिनोजेनिक ड्रग है। एडम उससे खाना खाने से मना करता है, लेकिन लिसा बोलती है अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर एडम को स्पीकर में बोला जाता है वो खाना खा लो, बट वो मना कर देता है। फिर स्पीकर से एडम को बैड डॉग बोला जाता है। फिर खतरनाक सूट वाला आदमी आकर दोनों को शॉक देकर बेहोश कर देता है। लिसा को जब होश आता है, वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड डॉग के पास लिसा को हेल्प मांगने के लिए आवाज देता है, लेकिन पीछे से उसको कोई सर में मार देता है। लिसा ये देखकर डर जाती है। धीरे धीरे उसका कॉलर चौक होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको होश आता है। वो एडम को बताती है कि उसको उसका एक्स बॉयफ्रेंड दिखा था। वो अपनी लाइफ से रिलेटेड बात शेयर करते हैं। उनको फिर एक आदमी डॉग फूड देता है जिसमें हलुसिनोजेनिक ड्रग मिला है। वो खाकर दोनों हंसने लग जाते हैं। लिसा को एक्स बॉयफ्रेंड का ड्रीम आता है। फिर जब होश आता है तो वो देखती है कि एडम उसके पास आ गया है। लिसा उससे अट्रैक्ट हो जाती है और वो उससे लाइक करने लग जाती है। एडम वहां उस आदमी को देखकर डर जाता है और सोने का सोचता है, लेकिन लिसा बोलती है कुछ नहीं होगा, तुम बात करो। वो आदमी फिर से लिसा का कॉलर चौक करने लग जाता है। एडम उससे बोलता है मत करो, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। फिर लिसा बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन वो लड़की फिर से डॉग फूड लेकर आती है। इस बार एडम उसको मारकर खुद का और लिसा का लॉक खोल देता है और जैसे भागने की सोचता है, लिसा उसको पीछे से सर में मार देती है। लिसा कैमरा के तरफ देखकर कोड बोलती है और लाइट ऑन हो जाती है और सब लिसा के पास आ जाते हैं। लिसा, एरिका और जॉर्ज एक कॉलेज रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो इंसानों को डॉग की तरह रखते हैं और देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं। लिसा बोलती है कि इस एक्सपेरिमेंट में शॉक और ड्रग्स यूज क्यों किया। जॉर्ज बोलता है वो तुम्हारा हलुसिनोजिनेशन होगा। एरिका बोलती है एडम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर ये बात डॉक्टर फिशर को पता चली तो वो बहुत गुस्सा होगी। थोड़े ही टाइम में डॉक्टर फिशर आने वाली है यहाँ। लिसा फिर से एक्सपेरिमेंट के लिए चली जाती है। एरिका उसको लॉक कर देती है और एडम को भी उसके पास लेकर लॉक कर देते हैं और उसको डॉग फूड देते हैं। वो अचानक से उठ जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। लिसा और एडम को ग्राउंड पर भेजे देते हैं। वहां दोनों चलने लगते हैं। एडम जैसे ही जाली को टच करता है, लिसा सोचती है कि उसमें करंट है, बट ऐसा होता नहीं है। दोनों वाहन से भागने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे कॉलर चौक होने लग जाता है। एडम लिसा की हेल्प करने को वापस जाता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। एडम को जब होश आता है तो वो स्ट्रेचर पर बंधा हुआ है और बहुत डर गया है। जॉर्ज उसको इंजेक्शन देता है जिसमें वो ड्रग्स यूज करता है। एडम अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। फिर जॉर्ज लिसा के पास जाकर उसको भी इंजेक्शन देता है। लिसा इंटीमेट फील करने लगती है। एरिका को कैमरा बंद दिखता है। फिर एक आवाज आती है। उसको लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है। वो अपने साथ काम करने वालों के साथ चेक करने जाती है तो लिसा उससे मिलती है, जो ड्रग्स की वजह से डरा हुआ फील करती है। एरिका डॉक्टर फिशर को सब बता देती है। फिर वो ये बात जॉर्ज को भी बता देती है। जॉर्ज परेशान हो जाता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर फिशर आ जाती है और देखती है कि लिसा और एडम सो रहे हैं। वो गुस्सा हो जाती है और जॉर्ज को बोलती है ड्रग्स देने को किसने बोला था, अगर किसी की भी जान चलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर फिशर एक्सपेरिमेंट को बंद करने को बोलती है और लिसा से मिलती है। उसको होश में आने वाला इंजेक्शन देती है और बोलती है कि अब ये एक्सपेरिमेंट बंद करो, बट लिसा को एक्सपेरिमेंट में मजा आने लगता है। वो फिशर का नेक दबाने लगती है। फिर डॉक्टर फिशर को बेहोशी हालत में कोल्ड स्टोर में बंद कर देती है। लिसा एरिका और जॉर्ज को बोलती है मैंने डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने कुछ दिन का और टाइम दिया। फिर एरिका लिसा को लॉक कर देती, बट लिसा उससे चाबी ले लेती है। एरिका को शक हुआ, वो डॉक्टर फिशर को कॉल करने को बोलती है तो जॉर्ज उससे उसका फोन ले लेता है। कुछ टाइम बाद जॉर्ज जब सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उससे पता चलता है कि लिसा ने डॉक्टर फिशर को मार दिया है। बट जॉर्ज जब कोल्ड स्टोरेज रूम के अंदर जाता है, डॉक्टर फिशर उससे बोलती है कि ये सब बंद करो। डॉट पर जॉर्ज एक बॉक्स डॉक्टर फिशर के सर पर गिरा देता है और वो मर जाती है। ये सब एरिका देख लेती है। फिर वो पावर ऑफ करके कोल्ड स्टोरेज रूम जाती है तो उससे डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी मिलती है और वो जम से चिल्लाती है। उसको आवाज सुनकर लिसा अपना और एडम का लॉक ओपन करके देखने जाती है। तभी जॉर्ज लिसा और एडम का कॉलर चौक कर देता है। जब एडम को होश आता है, वो एरिका के साथ एक रूम में बंद था।
एरिका उसको बताती है कि कैसे यहाँ से भागा जा सकते, बट एडम को उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। एरिका उसको सच बताती है कि जब तुमने मुझ मार कर भागने की कोशिश की थी तभी लीसा ने तुमको मारा था और झूठ बोला था। एडम उसकी बात पर ट्रस्ट करने लग जाता है। लीसा सीसीटीवी फुटेज में सब देखती है। जॉर्ज उसको एरिका और एडम के पास ले जाता है। लीसा देखती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स भी यहाँ है। जॉर्ज लीसा से बहुत प्यार करता था बट लीसा को लगता था कि वो गे है। जॉर्ज लीसा को बताता है कि उसने डॉक्टर फिशर को मार दिया है। डॉट आप वो लीसा को बोलता है तुम्हारे पास टू ऑप्शन है। एरिका और एडम लीसा जॉर्ज को बोलती है कि अपना ये पागलपन दूर करो। लीसा एडम का स्विच ऑन कर देती है। कॉलर धीरे धीरे चौक करने लग जाता है। फिर लीसा उसको बोलती है ऑफ कर दू। फिर वो एरिका का कॉलर ऑन कर देता है फिर ऑफ कर देता है। लीसा उसको सेक्स के लिए ऑफर करती है। जॉर्ज बोलता है वो मैं तुम्हारे साथ बहुत बार कर चुका हूँ। जब ड्रीम्स में लीसा अपने एक्स के साथ इंटीमेट होती थी तो उससे पता नहीं था कि वो जॉर्ज के साथ इंटीमेट हो रही है। ये बात सुनकर वो शॉक होगी। वो एडम की जान बचे इनके लिए जॉर्ज को समझाती है बट जॉर्ज एडम का कॉलर ऑन करके चला जाता है। एडम मर जाता है। कुछ टाइम बाद जॉर्ज बोलता है अपने सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स के कॉलर ऑन कर दूँ। फिर लीसा ऑन कर देती है और खुद का भी कॉलर ऑन कर देती है। जॉर्ज उसका कॉलर खोल देता है। लीसा उसका हाथ काट देती है और एरिका का भी लॉक खोल देती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज लीसा को पकड़ लेता है। लीसा उसको उसके माल पर लात मारती है और भाग जाती है बट जॉर्ज लीसा को ढूंढ लेता है बट पीछे से एरिका उसके सर पर मारती है। फिर लीसा उसकी शॉटगन को उसके पीछे डाल देती है और एरिका को भी मार के वाहन आग लगा कर एरिका की आईडी कार्ड लेकर चले जाती है।